क्लास में आपको आर्डिनो पढ़ाऊंगा। तो आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स फिजिकल करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन द सिंपल माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड। जो आर्डिनो होता है ये सिंपल कहता है कंप्यूटर की प्लेटफॉर्म होता है बेस्ड ऑन द माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड। जो ये आर्डिनो होता है ना एक कहता है ओपन सोर्स होता है फिजिकल ओपन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म होता है जो बेस्ड होता है माइक्रोकंट्रोलर पर। ठीक है, एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। तो ये क्या होता है ओपन सर्किट होता है एंड आर डेवलप इन्वायरमेंट फॉर द राइटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द बोर्ड। ठीक है, ये क्या करता है इन्वायरमेंट को विकसित करता है, कहते हैं सॉफ्टवेयर को बोर्ड पे प्रोग्राम करने के लिए। टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड, तो यहाँ पर कुछ आर्डिनो बोर्ड हैं, टाइप्स आर्डिनो बोर्ड के। वैसे बहुत बार करके आर्डिनो बोर्ड होते हैं पर कुछ रखे हुए हैं। सबसे पहले है आर्डिनो यूनो, दूसरा है आर्डिनो लेपे, तीसरा है आर्डिनो मेगा, चौथा है आर्डिनो लेनाडो, पांचवा है आर्डिनो मेगा कहते हैं एडी के। ठीक है, छठा है आर्डिनो इथरनेट, उसके बाद है आर्डिनो प्रो, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो बिट, आर्डिनो प्रो मिनी, आर्डिनो मिनी और आर्डिनो प्यू। आर्डिनो का यूज आप प्रोजेक्ट में करते हैं, अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो तो वहाँ आर्डिनो का यूज होता है। सबका वही करते हैं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बनाते हैं तो आर्डिनो का यूज करते हैं। आईटीओ बेस्ड जो प्रोजेक्ट होता है डेवलप वहीं आर्डिनो का यूज होता है। आर्डिनो यूनो, ठीक है, आर्डिनो यूनो के साथ है माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड बेस्ड ऑन होता है। आर्डिनो यूनो इज द माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड द बेस्ट ऑन द कहते हैं 18 मेगा। ठीक है, 3 to 8 pin ये जो आर्डिनो जो आर्डिनो यूनो है ये माइक्रोकंट्रोलर कौन सा है 18 मेगा 328 पी पे बेस्ट है। इसमें कहता है 14 पिन होती है, इनपुट और आउटपुट पिन होती है। इसमें क्या 6 जो होती है PWM आउटपुट पिन होती है और इसमें 6 इनपुट कहता है एनालॉग पिन होती है और 16 मेगा हर्ट्ज का कहता है सिरेमिक कहता है रेजोनेंस रेजोनेटर होता है। इसमें इसको कहते हैं CSTICE, ये होता है 16 मेगा हर्ट्ज का। इसमें कहते हैं यूएसबी कनेक्टर होता है, एक पावर जैक होता है और एक ऐसा है ICSPN हेडर एंड होता है, रीसेट बटन होता है। जो ये आर्डिनो यूनो होता है ये मोस्ट पॉपुलर रहता है, आर्डिनो है जो प्रोजेक्ट में यूज होता है ज्यादातर, आर्डिनो ये यूज होता है। ये है डायग्राम होता है आर्डिनो यूनो का। अब इसके पिन के बारे में बताऊंगा, जो पिन नंबर 1 है ये देख रहे होंगे आप, ये वाला, ये है रीसेट बटन। ठीक है, 2 है ARIF, ये है एनालॉग रेफरेंस, इसके बारे में आगे स्लाइड में बताऊंगा कि क्या काम करता है। ठीक है, तीसरा है ग्राउंड। ठीक है, और ये कहते हैं चौथा जो है, चौथा जो पॉइंट ये है डिजिटल पिंस जो 0 से लेकर 13 तक होती है। ठीक है, जो पांचवा नंबर है इसमें ये आता है PWM पिंस, PWM पिंस होती है जिनके आगे माइनस लगा हुआ है, जैसे पिन नंबर 11, पिन नंबर 10, पिन नंबर 9, पिन नंबर 6, पिन नंबर 5, पिन नंबर 3, ये क्या है PWM पिन। PWM मतलब है पल्स विद मॉड्यूलेशन। जो छठा है ये है यूएसबी कनेक्टर। ठीक है, ये है वोल्टेज रेगुलेटर, ये जो आर्डिनो को 5 वोल्ट सप्लाई करता है, सप्लाई देता है। ये है चेक बैरल। ठीक है, इसे जो होता है डिस पावर कहते हैं, एसी पावर सप्लाई देते हैं, एसी या डिस पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, अभी है 3.3 कहते हैं वोल्ट, इसे कहते हैं आर्डिनो को 3.3 वोल्ट देते हैं। ये है 5 वोल्ट, इसे आर्डिनो को 5 वोल्ट देते हैं। यहाँ भी एक ग्राउंड पिन है, ये है एनालॉग पिन। ठीक है, जो जाते हैं A0 से लेकर A5 तक है। उसका काम क्या होता है सर? एनालॉग जो पिन होती है, जब हम कोई चीज
आर्डिनो से बाहर भेजते हैं, ठीक है, तो एनालॉग पिन का काम करते हैं, या बाहर से अंदर कोई कोई चीज भेजते हैं आर्डिनो में, ठीक है, तो वहां एनालॉग पिन का काम आता है। यह है पावर एलईडी, ठीक है, इंडिकेट करता है कि पावर है आर्डिनो में नहीं है। यह है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये दो दिखा रहा है इंडिकेटर, यह ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। यह है माइक्रोकंट्रोलर, इसमें 80 मेगा का है माइक्रोकंट्रोलर यूज होता है। सर 5 नंबर और 10 नंबर की कोई एक साथ जोड़ना चाहते हैं, क्या है सर? क्या कह रहा है? 5 नंबर की और 10 नंबर की ये 5 नंबर जो पिन है और जो 10 नंबर पिन है ये पल्स विद मॉड्यूलेशन पिन है। दोनों एक ही है? हाँ, मतलब माइनस में मतलब अलग अलग करते हैं आउटपुट देंगे। के बारे में तो रीसेट बटन रहता है, विल बी स्टार्ट अदर रीसेट एंड करता है, कोड होता है, दैट इज लोडेड टू द आर्डिनो बोर्ड। रीसेट बटन का मतलब काम क्या होता है, जो पहले से कोड हो उसको रीसेट करता है, नया कोड मतलब दोबारा से हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। एआरएफ ये है एनालॉग रेफरेंस, तो ये एंड यूज फॉर द एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज, एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज के लिए यूज होता है, ठीक है। तीसरा पिन है ग्राउंड पिन, इसे हम कहते हैं आर्डिनो को ग्राउंड देते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, ठीक है, इसे कहते हैं डिजिटल, हम कहते हैं ऑन ऑफ जो होता है डिजिटल, तो ये जो इसे हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूएम पिन ये है पल्स विद मॉड्यूलेशन पिन, ठीक है, इसे माइनस सिंबल से या फिर इस सिंबल से सिमुलेट किया जाता है, ठीक है। यूएसबी कनेक्टर इसे कहते हैं पावर सप्लाई किया जाता है किसको, आर्डिनो को, और कहता है आर्डिनो में कहता है प्रोग्राम अपलोड किया जाता है, ठीक है। अब टीएक्स एंड आरएक्स, ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होता है, रिसीवर कहते हैं डाटा इंडिकेटर है, इंडिकेशन एलईडीज है, ठीक है। अब 80 मेगा का है माइक्रोकंट्रोलर, ये कहते हैं ब्रेन होता है किसका, आर्डिनो का, माइक्रोकंट्रोलर लगा होता है इसमें जो कि ब्रेन होता है आर्डिनो का, एंड वेयर रहते हैं द प्रोग्राम एंड रहते हैं आर स्टोर, एंड इसमें कहते हैं प्रोग्राम क्या स्टोर होता है। नेक्स्ट ये पावर इंडिकेटर, ठीक है, जो मैंने कहा था 9 नंबर पे क्या था, एक एलईडी सी लगी जो कहता है पावर को इंडिकेट करता है कि आर्डिनो पे कहता है पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब है वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें कहता है पिन नंबर 10 जो मैंने बताया थी उसमें था एक छोटा सा साइड पे लगा वोल्टेज रेगुलेटर, ये कहता है आर्डिनो को 5 वोल्ट कहता है वोल्टेज देता है, आगे सीधी कहते हैं उसको कटा के 5 वोल्ट देता है। डीसी पावर बैरल लेता है जैक, डीसी पावर बैरल जैक जल्दी से हम कहते हैं डायरेक्ट जो एसी से करा होती है उसका क्या होता है एसएमपीएस लगाया होता है, फिर जो पिन लगाते हैं डीसी पावर बैरल जैक है, ठीक है। 3.3 वोल्ट होता है पिन है, इसे कहते हैं आर्डिनो का 3.3 वोल्ट होता है पावर देता है, ठीक है। 5 वोल्ट होता है पिन जो होती है, इससे पता है आर्डिनो का 5 वोल्ट होता है पिन लगाता है वोल्टेज होते हैं, ग्राउंड को बता दिया कि ग्राउंड होता है, ठीक है। एनालॉग पिन जो होती है This means can be the read the signal from analog होता है, sensor रहता है and convert होता है to a digital, ठीक है। जो analog pins होती है ये कहते हैं analog signal को होता है क्या कहते हैं convert करती है digital signal, किसमें Arduino में sensor से लेके Arduino में convert करती है। अब है Arduino power supply, तो Arduino में 5 प्रकार की power supply यूज होती है, ठीक है। पहला इसमें power होता है via USB connector, पहले तो USB device को होता है power दिया जाता है computer से लगा के, ठीक है। दूसरा है पावर वाया ऑन द बोर्ड होता है बैलेंस जैक, जैसे मैंने बताया कि एसी से एसएमपीएस लगा के इसको डीसी से चेक करके आर्डिनो को पावर दिया जाता है। तीसरा इसमें पावरिंग वाया ऑन द बोर्ड होता है बैटरी कनेक्टर, ठीक है। आर्डिनो में ये नहीं होता, कहते हैं बैटरी कनेक्टर, मतलब जो कोई और आर्डिनो होता है इसमें बैटरी कनेक्टर भी होता है, होता है सर, बनाने वाले पे डिपेंड है भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, न्यूट्रल इसलिए नहीं होता कि वो कहते हैं डीसी भी काम कर रहा है, डीसी में न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। पावरिंग वायर कहते हैं द वोल्टेज इन फेज, ठीक है, और होता है पावरिंग वायर 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट पिन। नेक्स्ट
आर्डिनो आईडी, ठीक है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है, कोडिंग करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं, अपलोड करते हैं जिससे, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। Once the software रहता है, has been installed, इसको पहले install करना है, ठीक है, on the computer रहता है, दो hide hand रहता है, open it, फिर इसको open करना है, this is the Arduino IDE रहता है, and रहता है, is the place में रहता है, program it will happen, इसमें क्या program किया रहता है, ये interface होता है, Windows, जब Arduino खोलते हैं, तो सबसे पहले आपको ये window खोल दिखती है, तो window होता है, जब ये खुलेगी, तो सबसे पहले होता है, ये जो program है, यह है मेन्यू बार, ठीक है, इसमें फाइल होता है, एडिट का ऑप्शन होता है, स्केच का ऑप्शन होता है, टूल्स का ऑप्शन होता है, हेल्प का ऑप्शन होता है, ठीक है। दूसरा है जो दूसरी पिन है, ये सॉरी दूसरा जो लिखा पॉइंट, ये है कंपाइल का, कंपाइल मतलब इससे होता है कि कंपाइल मतलब होता है जो हम लैंग्वेज लिखते हैं ना इसमें, तो लैंग्वेज Arduino को समझ नहीं आती है, तो कंपाइलर इसलिए यूज होता है कि जो लैंग्वेज हम लिखते हैं वो चेंज करता है किसमें, Arduino के लैंग्वेज में, इसलिए कंपाइलर यूज करता है। जैसे हम माइक्रोकंट्रोलर जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसमें बिल्ड टारगेट करते हैं, तो बिल्ड टारगेट इसलिए करता है कि जो लैंग्वेज होता है बिल्ड टारगेट वो चेंज करता है माइक्रोकंट्रोलर की लैंग्वेज में, तो अगर लैंग्वेज सही नहीं होगी, कहीं एरर होगा तो एरर दिखाता है, तो वही सेम सिस्टम इसी में है, जब कंपाइल करेंगे अगर आपका कुछ प्रोग्राम कुछ एरर होगा तो क्या एरर शो करेगा। तीसरा नंबर है, ये कहता है अपलोड के लिए, ठीक है, जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको Arduino में कहां से अपलोड किया जाएगा, यहां से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और जो चौथा है न्यू स्केच, यहां से न्यू विंडो ओपन होगी, ठीक है। ये पांचवा है, ये है स्केच का नाम, ठीक है, जो हमने कोड लिखा है उसका नाम यहां पर है, ठीक है। छठा है जो छह स्केच होगी, पहले से जो स्केच होगी उसको आप यहां पर क्लिक करके दोबारा आप क्या कहते हैं, जो पहले से जो आपने सेव की होगी स्केच वो ओपन हो जाएगा। स्केच मतलब ये होता है कि जो आपने इसमें प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, वो सेव किया है, मतलब उसको स्केच के नाम से सेव होता हो, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, न्यू स्केच होती है, ठीक है। ये होता है मैसेज, यहाँ पर मैसेज आता है कि एरर है, कि कंपाइल हो रहा है, या फिर सेव हो गया है, तो इससे होता है। तो 10 नंबर पिन है, सॉरी 10 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर वो आएगा, यहाँ पर पूरा मैसेज आता है कि कंपाइलिंग हो रहा है, ठीक है, सेव हो गया, अपलोड हो गया है, तो यहाँ पर 11 नंबर पे वो आएगा, ठीक है। जहां पर 12 नंबर है, यहाँ पर आपका Arduino का नेम आएगा कि आपने कौन सा Arduino बोर्ड यूज किया है, साथ में पोर्ट आएगा कौन सा पोर्ट यूज किया गया है, ठीक है। जो 9 नंबर है, इसमें आपका जो प्रोग्राम कहता है कोड होता है, ठीक है, वो सब लिखने का है, ठीक है। जो 8वां नंबर है, ये है सीरियल मॉनिटर, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगी, डिस्प्ले पे आप जब कहते हैं Arduino से प्रिंट करते हैं तो सारा उस पर दिखता है, किसमें, डिस्प्ले में। ये इनके बारे में ब्रीफ है, थोड़ा ही बात ब्रीफ में बता देता हूँ दोबारा, जो मेमोरी बार की बात होता है, यू एक्सेस टू द टूल होता है, नीड्स फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग द Arduino स्केच, ठीक है। उस बात है वेरीफाई बटन, कौन सा, पिन नंबर 2, इसे कहते हैं वेरीफाई करते हैं, कहां पर कंपाइल करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कंपाइल योर कोड होता है, चेक कोड होता है, एरर इन द स्पेलिंग और होता है सिंटैक्स। जो तीसरा है अपलोड पिन, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंड द कोड टू द बोर्ड, ठीक है, क्रिएट द स्विच एज द Arduino यूनो, इन केस होता है लाइट ऑन द बोर्ड होता है, लिंक होता है, क्रिएट होता है, ये सब क्या होता है, तीसरे नंबर पर अपलोड होता है, प्रोग्राम को अपलोड करने की होती है, तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा है न्यू स्केच के लिए, ये हमने मैंने बताया आपको कि आपको अगर न्यू विंडो ओपन करनी है तो कहता है यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। पांचवा है स्केच नेम, ये है लिखा हुआ यहाँ पर जो है, ये है स्केच नेम, ठीक है। छठा है जो है ओपन स्केचिंग होता है, एग्जिटिंग स्केच, ठीक है, ऑल ऑटो ओपन होता है, हर सेल होता है, स्केच होता है, ओपन वन होता है, फ्रॉम द स्टोर एग्जांपल, ठीक है। ये कहते हैं जब कोई आपने पहले कोई विंडो बनाई हो, सेव की हो, तो उसको यहां से ओपन कर सकते हैं, सेव स्केच होता है।
इस से बताया है दर्ज के चुताई यू करते करंटली है विद है ओपन इसमें कहते साथ में संबंध जो करता है आपने कहता है अभी जो फिलहाल में कोई सेंस के सेट किया है उसको ओपन करेंगे इससे साथ से एक जैसे मैंने बताया कि आठ वजह भी नदी है सीधे मॉनिटर होता है ठीक है व्हेन द बोर्ड होता है इस कनेक्टिंग टू जाता है विद द डिस्प्ले द सीरियल लेता है इंफॉर्मेशन ऑफ योर आर्डिनो इसमें क्या है डिस्प्ले खुल जाती है ठीक है ये तो करता है दिखाता है कि आर्डिनो क्या प्रिंट हुआ है और वहां पर सारा दिखाता है जो नोवा है कोडियल है जो आपने क्या क्या लिखा है इसमें सब इस पे इस एरिया में लिखा जाएगा ठीक है मैसेज एरिया जैसे मैंने बताया था कि दिस एरिया विल टेल यू स्टेटस ऑन होता है सेविंग कोडिंग करता है कोडिंग एंड एरर एंड मोर तो इसमें यहां पर क्या आएगा कि चाहे इससे होता है डन सेविंग या कंपाइलिंग आएगा या फिर इसमें आएगा कि अगर कोई प्रोग्राम में एरर होगा तो यहां पर एरर लिख के आएगा एरर टेक्स्ट कंसोल यहां पर सारा कंपाइलिंग वगैरह का एरर वगैरह का सारा टेक्स्ट आता है लेकिन नीचे बार में सो द डेटा ऑन योर साइज ऑफ प्रोग्राम दैट वाज एंड दैट इज The Arduino programming language is the modified version of C and C++. ठीक है जो Arduino programming जो language होती है C and C++ का modified version होता है. ठीक है usually होता है with the programming in the C++ language होता है with the addition of the methods and the functions. इसमें कहते हैं C++ language का use होता है इसमें Arduino का अधिकतर हम C++ language का use करते हैं. जैसे जावा हो कहते हैं जावा हो गई पैथन हो गया सब ऐसे सी प्लस प्लस सी लेवल सारी लैंग्वेज अलग अलग होती है वैसे सी प्लस लैंग्वेज होती है ये सारी प्रोग्रामर लैंग्वेज होती है जैसे हम माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्राम लिख रहे थे तो उसमें जो लैंग्वेज हो रही थी यूज वो कौन सी थी असेंबली लैंग्वेज थी अब प्रोग्राम रिटर्न मिलता है इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं इसके जंक्शन जो हम तो प्रोग्राम लिखते हैं आर्डिनो में वो कहता है स्केच होता है स्केच बोलते हैं यू कैन यूज है इवन यूज द पाइथन टू राइट एन आर्डिनो प्रोग्राम ठीक है आप पाइथन का यूज भी करते हैं पाइथन जो लैंग्वेज है उसका यूज भी करते हैं आर्डिनो में प्रोग्रामिंग के लिए अब बेसिक कोडिंग स्टेज है हां तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कहते हैं आर्डिनो कोडिंग कैसे होती है लगता है वाइड सेटअप वाइड सेटअप क्या होता है सेट थिंक होता है सेट थिंक अप होता है डेट होता है डन वंस एंड होता है कैन डॉट होता है हैपन अगेन इसमें जो आपने लिखा है वाइड सेटअप में ये केवल प्रोग्राम एक ही बार होगा ठीक है दोबारा नहीं होगा जो आपने इसमें लिखा है ठीक है जो वाइड लूप है इसमें जो आपने लिखा है प्रोग्राम जो लिखा आपने कोड लिखे हुए ये अगेन एंड अगेन खत्म होगा तो दोबारा इसी से स्टार्ट होगा ऊपर ही जाएगा इसी से स्टार्ट होगा रिपीटेड ओवर द ओवर अंटिल द बोर्ड जब तक कहते हैं बोर्ड ऑफ नहीं होता तब तक कहते हैं प्रोग्राम इसी में चलेगा सो हां बैक एंड बैक एंड ये जो वाइड मतलब होता है इसका मतलब होता है कमांड सेटअप मतलब होता है फंक्शन आप अपनी हेल्थ के लिए आगे कमेंट लिख सकते हैं ठीक है कंपल्सरी नहीं होता आर्डिनो उसको रीड ही नहीं करता जो कमेंट लिखा होता है आगे एक जो कमेंट होता है डबल स्लैश लगाते हैं डबल स्लैश लगा के आगे कमेंट लिखते हैं अपना ठीक है पिन मोड जो पिन मोड होता है इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है यूज पिन मोड इनपुट आउटपुट ठीक है इनपुट आउटपुट में क्या होगा ठीक है तो पिन मोड में लिखा जाता है देख जैसे एग्जांपल है पिन मोड पिन नंबर 13 क्या है आउटपुट है ठीक है तो इसमें कहते हैं तो पिन नंबर 13 क्या है आउटपुट है अब डिजिटल राइट
डिजिटल राइटर यूज करते हैं हम जब कोई चीज आर्डिनो से बाहर सेंड करनी है, तो तब हम डिजिटल राइट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर डिजिटल पिंस होती है, डिजिटल मतलब होता है ऑन एंड ऑफ, हाई और लो, तो इसलिए डिजिटल पिंस का यूज किया जाता है जहां हमको हाई एंड लो का यूज करना हो। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है डिजिटल राइट 11 हाई, तो ये 11 क्या है, पिन हाई क्या है, जैसे कोई एलईडी है तो हाई मतलब उसको ऑन रखना है, तो हमने लिखा डिजिटल राइट 11 हाई, तो क्या एलईडी क्या ऑन होगी। अगर इसे लिखते हैं डिजिटल राइट 11 लो, ठीक है, तो एलईडी क्या ऑफ हो जाएगी। उसके बाद डिजिटल रीड, ठीक है, जब कोई चीज बाहर आर्डिनो के बाहर से आर्डिनो में डालते हैं, ठीक है, तो हम डिजिटल रीड का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसे लिखा उसमें आई एल ओ, ठीक है, डिजिटल रीड 7 इनपुट, ठीक है, तो इसमें सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखा नहीं मैंने, तो जो पेज नंबर 7 है उसमें क्या होगा, डिजिटल रीड क्या होगा, हाई एंड लो होगा, उसमें बाहर से कोई चीज अंदर आएगी आर्डिनो में, तो वहां यूज होता है डिजिटल रीड का। नेक्स्ट, डिले, ठीक है, डिले जो होता है आर्डिनो को थोड़ी देर के लिए कुछ प्रोग्राम है उसको थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए, ठीक है, तो डिले होता है ये मिली सेकंड में होता है। ठीक है, जैसे एक सेकंड में कितना होता है, मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड होता है। ये है, दिख रहे काई भी हो गया, थैंक यू।